बेशक नहीं बना, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इस इलाके में हैं और इस प्यार के बदले में गो सेवा आयोग में मुझे सदस्य बना दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों को सबका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मेवात इलाका आपसे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, इसलिए मेवात और इस इलाके की बातें मिलजुल कर करनी भी जरूरी है। इलाका मेवात में मुस्लिम बिरादरी रहती है और मुस्लिम बिरादरी गाय के लिए एक दोषी मानी जाती है। हालांकि आप जानते हैं सभी तो ये काम नहीं करते, चंद आदमी करते हैं जिनकी वजह से पूरा इलाका बदनाम होता है। वजह क्या है? कुछ बातें ऐसी होती है, चंद आदमी लोग। और यहाँ पर सतुआगढ़ी की सरदारी पहुंची है, उनका भव्य स्वागत, उनके चरण कमलों में हमारा प्रणाम। आप यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गाय का विषय इसलिए कह रहा हूं कि इस्लाम धर्म में अल्लाह के सिवाय दूसरा दर्जा आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम में कहा है, कुरान और हदीस में लिखा है कि जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, जितने पशु हैं, उन सबसे अच्छा पशु गाय है। और गाय के दूध और घी दही छाछ में शिफा है और इसमें गोश्त, इसके गोश्त में नुकसान है, बीमारी है। लेकिन चंद कुरेशी भाई जो काम करते हैं इसको, वो ऐसी भाषा बोल देते हैं कि भाई मुसलमान ही क्या है जो गोश्त नहीं खाए, जबकि कहीं भी इस्लाम धर्म में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप अगर किसी भी जानवर का गोश्त ना भी खाएं तो आप मुसलमान नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सरेआम गलत है, इस्लाम का इस बात से कोई जोड़ नहीं है, इसके बराबर और कोई जीव नहीं है, इसकी सेवा व्यर्थ नहीं जाती, गाय की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। मंच की तरफ से बार बार एक अपील है कि समय थोड़ा, तो मैं बहुत थोड़े समय में एक बात कहूं आपसे। हम किसान हैं आप और हम गांव के आदमी हैं, किसान का और गाय का एक जोड़ है। गाय के लिए कहावत है कि रूखा खाने नहीं देती और बूढ़ा जोतने नहीं देती। दोस्तों, जबकि सच्ची बात यह है कि जैसे जैसे गोपालन का काम कम हो रहा है, ऐसे ऐसे हमारी धरतियां बंजर हो रही हैं, ऐसे ऐसे हमारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, क्योंकि दूध और घी मिलता नहीं, धरती के लिए खाद मिलता नहीं। ये तरह तरह के ये खाद जो आ रहे हैं आज, ये हमारी धरती को बंजर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हर आदमी से अपील है, हर भाई से अपील है कि अपने घर में एक गाय जरूर पाले, एक तुलसी का पौधा जरूर लगाए। ये कहावत है कि जिस घर में गाय और तुलसी हो वहां डॉक्टर हकीम का कोई काम नहीं है। दोस्तों, ये अपना स्वार्थ, इंसान का निजी स्वार्थ है। आप छोड़िए ये बात, धर्म में भी वही बातें लिखी है जो हमारे फायदे के लिए हैं। आप धर्म से हटकर सोचिए कि तुलसी और गाय क्या है। आखिर ऋषि मुनियों ने और महात्माओं ने और आपसे बड़े विद्वानों ने क्यों कहा है गाय और तुलसी के लिए? तो दोस्तों, गाय जब बचेगी, गाय न सरकार बचाएगी न गाय गोमाता की जय बोलने से बचेगी, गाय जब बचेगी, जब हर आदमी गाय का दूध पिएगा, गाय का घी खाएगा, दूध का गाय का छाछ पिएगा, और दोस्तों गाय के गोबर से हम शुद्ध अन्न पैदा करेंगे तो हमारी नस्लें जिंदा रहेंगी, नहीं तो मुर्दार के बराबर हो जाएंगी। दोस्तों, हर आदमी कम से कम एक गाय हर घर में पाले और ये गौशाला समाज से चलेगी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विशाल हृदय के साथ, जहां 40 करोड़ का बजट था हरियाणा में, 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा की गौशालाओं के लिए मंजूर किया है। दोस्तों, जैसे और गौशालाओं को मदद मिलेगी, उसी हिसाब से इस
गौशाला के लिए भी हम पीछे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और बल्कि हरियाणा के और हिस्सों में ये गौशाला भी मेवात का एक हिस्सा है, और गौशालाओं में मैं आपसे वादा करता हूँ कम से कम और गौशालाओं के मुकाबले में उस बजट में से 1 लाख रुपया और एक्स्ट्रा गौसेवा आयोग की तरफ से आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों समय थोड़ा है, बातें तो बहुत हैं, लेकिन हाथ जोड़कर मेरी एक अपील कि हर भाई इस गौशाला की मदद करे। फसल का मौका आ रहा है, भूसे से, गेहूं से, पैसे से, सरकार के भरोसे, सरकार 400 करोड़ नहीं और 4000 करोड़ भी दे देगी तब भी उस पैसे से नहीं चलेगी गौशाला। गौशाला समाज चलाएगा, गौशाला इलाका चलाएगा। भाई जो गलती हो गई हो मुझे माफ करना, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सब भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाकिम जी आपने अच्छा संदेश दिया, और अब सरदारी का यहाँ पर स्वागत।